हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम में एक सवाल। अब ये सवाल क्या है उसको समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। अब ये एक कंपनी है, माँ शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हालांकि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, लेकिन इस कंपनी के अंदर सवाल ये है कि कितने ऐसे बिल हैं, समझिएगा ध्यान से, कितने ऐसे बिल हैं जिनका कि हमें पेमेंट देना है, ये हमें पता करना है। एक क्लिक पे कैसे पता कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका, एकदम बेहतरीन तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। करना क्या है, आपको कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, वो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ जी। जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहां पर स्विच टू नजर आएगा, देखिए ऊपर तो ये कंपनी का नाम है माँ शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर लिखना है, आपको यहां स्विच टू के अंदर लिखना है बिल्स, BILLS, और बिल्स जैसे लिखते हैं तो देखिए यहां पर आपको बिल्स रिसीवेबल भी मिलता है, बिल्स पेएबल भी मिलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बिल्स पेएबल चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बिल्स पेएबल आ जा रहा है और इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जितनी क्रेडिटर पार्टियां होंगी, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर पार्टियों का पूरा पेंडिंग बिल यहाँ पे शो करेगा और वो नीचे देखेंगे तो पूरा अमाउंट भी शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पे पेंडिंग बिल में शो कर रहा है टोटल अमाउंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिससे आप पेंडिंग बिल पता कर सकते हैं कि कितना बिल क्रेडिटर पार्टी को पे करना है, ठीक है। लेकिन अगर यही बात करें कि आपको कितना रिसीव करना है रुपया, ये कैसे पता चलेगा, तो फिर वही कंट्रोल के साथ जी प्रेस कीजिए और बिल्स पेएबल था, अब बिल्स रिसीवेबल हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे बिल्स पेएबल था, बिल्स रिसीवेबल भी दिख रहा है, तो यहां पर आकर के क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए रिसीवेबल में केवल 11,200 रुपए रिसीवेबल यहां पे दिखा रहा है, क्योंकि डेट यहां पर पीरियड देख सकते हैं 1 अप्रैल से 2 जून तक का है, ठीक है। अगर आप पूरा चेंज करना चाहते हैं तो Alt F2 कर लीजिएगा और 1 अप्रैल से लेकर, और यहां पर कोई चेंज भी कर लीजिए, 31/3/2025 तक का पूरा ये दिखाएगा। तो देखिए एक ही है जो कि आपको दिख ही रहा है। तो ये वो तरीका है जिससे आप रिसीवेबल और पेएबल दोनों देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। कई बार ये सवाल जो है पूछा जाता है इंटरव्यूज में, तो अगर आप टैली के जॉब के लिए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आखिरकार ये कैसे होगा, तो आप तुरंत करके बता दीजिएगा कि इस तरीके से होगा। चलिए कोई और दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।